हेलो एवरीवन, क्लास 9th के मैथमेटिक्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम करेंगे क्लास 9th के मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन, और टाइम वेस्ट किए बिना अपनी आज की क्लास स्टार्ट करें। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहला टॉपिक है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। अब देखिए डायरेक्ट, अब इसकी अगर आप प्रॉपर डेफिनेशन पर जाओगे तो डेफिनेट क्या होगी कि द नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड अप टू इंफिनिटी। अब इसका सिंपल बेसिक मीनिंग क्या हुआ कि 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और अप टू सो ऑन यानी इंफिनिटी तक चलते रहते हैं। तो ये क्या है? नेचुरल नंबर। इनको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। अगर इन नेचुरल नंबर में अगर हम होल नंबर को भी ऐड करें, अगर नेचुरल नंबर में अगर हम 0 को ऐड कर दें तो वो क्या बन जाएंगे? होल नंबर। प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी इसकी कि द नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड अप टू इंफिनिटी। तो क्या होंगे होल नंबर? 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन। होल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? होल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? W से। अब मान लीजिए ये है नंबर लाइन, और नंबर लाइन पर ये क्या है? एक नंबर 0 जो कि इसका सेंटर है, कि नंबर लाइन पर ये क्या है? सेंटर। ये कितना है? 0। तो राइट हैंड साइड पर क्या होंगे? पॉजिटिव नंबर की 1, 2, 3, 4, 5, और लेफ्ट हैंड साइड पर क्या होंगे? -1, -2, -3, -4, -5। तो ये क्या है जो राइट हैंड साइड पर है? पॉजिटिव इंटीजर। और लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है? नेगेटिव इंटीजर्स। और 0 क्या है? 0 ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, 0 है न्यूट्रल इंटीजर। ये 0 ना प्लस के साथ, प्लस वाली वैल्यूज के साथ है और ना माइनस वाली वैल्यूज के साथ है। तो इन पॉजिटिव और नेगेटिव और न्यूट्रल इंटीजर को अगर हम मिला देंगे तो ये क्या बनेंगे? इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल जेड से। टू फैक्टर्स हम कौन से होंगे कि नंबर हैविंग ओनली टू फैक्टर्स, जैसे एग्जांपल के तौर पर नंबर 2। 2 का फैक्टर्स क्या है कि 2 का एक फैक्टर है 1 और एक है 2। 3 के क्या है? 1 और 3। 5 के क्या है? 1 और 5। 7 के क्या है? 1 और 7। तो इसी तरह ये चलते रहते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13। इस टाइम आपके दिमाग में क्वेश्चन रेज हो सकता है कि भाई 1 क्यों नहीं है प्राइम नंबर। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठ सकता है कि 1 क्यों नहीं है प्राइम नंबर। इसका कारण क्या है कि 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर होगा 1। क्या है? सिर्फ 1 का सिर्फ एक फैक्टर है तो 1 प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर कौन से होंगे कि जिनके कम से कम 2 फैक्टर्स हों। अब एक और टॉपिक आएगा कि को प्राइम नंबर क्या। देखो को प्राइम नंबर क्या होंगे कि 3, 2 और 3 क्या है? आपस में को प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच का कॉमन फैक्टर क्या है? 1। तो को प्राइम की डेफिनेशन क्या होगी? कॉमन फैक्टर इज 1 ओनली, कि सिर्फ एक ही फैक्टर होगा और वो होगा 1। उसी तरह 3 और 5 भी क्या है? को प्राइम नंबर। की दोनों के बीच क्या है? कॉमन फैक्टर। अब आपको पता है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं और को प्राइम नंबर क्या होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि रैशनल नंबर्स क्या होंगे। और रैशनल नंबर्स क्या होंगे?
रैशनल नंबर देखो आप क्या होंगे, जिन नंबर को हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, द नंबर विच कैन बी रिटर्न इन पी बाई क्यू फॉर्म, वेयर पी एंड क्यू क्या है, इंटीजर्स, क्या है पी और क्यू दोनों इंटीजर्स, लेकिन क्यू क्या है नॉट इक्वल टू जीरो, पी जीरो हो सकता है लेकिन पी लेकिन क्यू जीरो की पी क्या है पी जीरो हो सकता है लेकिन क्यू जीरो नहीं होगा, तो ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे रैशनल नंबर, और पी और क्यू क्या है पी और क्यू है को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स का मतलब अभी बताया है कि क्या होगा कि दोनों के बीच कॉमन फैक्टर क्या होगा वन, जैसे टू बाय थ्री क्या है रैशनल नंबर क्योंकि क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, पी और क्यू दोनों इंटीजर है और को प्राइम नंबर है, जीरो अपॉन वन या कहे हम जीरो ये भी दोनों रैशनल नंबर होंगे, क्यों क्योंकि क्यू जीरो के इक्वल नहीं है, पी चाहे जीरो के इक्वल हो और ये क्या है दोनों इंटीजर्स हैं और को प्राइम नंबर्स हैं। और एक टॉपिक है कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होंगे, इक्विवेलेंट का मीनिंग क्या होगा, रैशनल नंबर की डेफिनेशन आपको मालूम है, इक्विवेलेंट का मीनिंग क्या होगा अलाइक, अलाइक का मतलब है सिमिलर, की जैसे वन बाय टू और टू बाय फोर ये क्या है दोनों इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है, कि टू बाय फोर को आप कट करेंगे तो कितना आएगा वन बाय टू, तो वन बाय टू इक्वल टू वन बाय टू, तो ये क्या है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। और अगर हम बात करें रियल नंबर की, और अगर हम बात करें कि रियल नंबर्स क्या होंगे, तो रियल नंबर्स क्या होंगे, रियल नंबर होंगे रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर क्या होंगे कि रियल नंबर क्या होंगे रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के कॉम्बिनेशन को हम कहेंगे इरेशनल, यानी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के कॉम्बिनेशन को हम कहेंगे रियल नंबर्स, और इरेशनल नंबर क्या होंगे ये हम स्टडी करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन। ये है एक्सरसाइज 1.1 का एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1 में क्या है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर्स। पहला क्या है कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, अब देखिए सबसे पहले इसमें राम कथा कहे बिना टू बिल्कुल पॉइंट की बात करते हैं कि होल नंबर क्या होते हैं, देखिए सबसे पहले होल नंबर क्या होंगे कि जीरो से स्टार्ट होंगे और वन टू थ्री फोर फाइव इस तरीके से चलते रहेंगे, कहां तक अप टू इंफिनिटी तक, ठीक है, इस साइन का मतलब होता है इंफिनिटी। और नेचुरल नंबर क्या होंगे, नेचुरल नंबर होंगे कि जो किससे स्टार्ट होंगे वन टू थ्री फोर फाइव अप टू इंफिनिटी, मतलब होल नंबर और नेचुरल नंबर में इतना डिफरेंस है कि होल नंबर में जीरो होता है, नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, कि क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हैं, तो जीरो जीरो होल नंबर है। अरे वाह मैं देखा, अब सबसे पहले आप देखिए कि जीरो क्या है, जीरो होल नंबर तो है लेकिन जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, कि जीरो क्या है नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये क्या कह रहा है कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, तो ये फर्स्ट वाला क्या होगा, फर्स्ट वाला होगा फॉल्स, और रीजन क्या है इसका, और इसका रीजन क्या है कि जीरो इज ए होल नंबर बट जीरो इज नॉट ए नेचुरल
नंबर, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट, एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर, क्या सारे इंटीजर रैशनल नंबर होंगे? और सेकंड देखिए सबसे पहले इंटीजर क्या होंगे कि इंटीजर देखिए, इंटीजर की जीरो से बड़े क्या होंगे, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन, ये होंगे पॉजिटिव, और जीरो से कम क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स, और जीरो से कम कि -1, -2, -3 ये क्या होंगे, नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स। और इन सबको मिलाकर क्या होगा, इन सबको मिलाकर होगा कंप्लीट इंटीजर्स, ठीक है। और रैशनल नंबर क्या है, रैशनल नंबर है कि रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है कि जिसको हम p बाय q फॉर्म में लिख सकें, और p और q क्या है, इंटीजर्स, और Q not equal to 0, मतलब जैसे 1/2, 3/2, तो ये क्या है, रैशनल नंबर है, लेकिन ये साथ ही साथ क्या है, इंटीजर्स भी हैं। अगर ये माइनस में भी हो कि -1/2, -5/3, तो ये भी क्या है, इंटीजर्स, और ये क्या है, रैशनल नंबर भी है। तो क्या होगा, ये होगा ट्रू। रीजन क्या है कि 1/2 और 3/2 अगर माइनस में भी लें हमें वैल्यूज, तो ये क्या है, इंटीजर्स भी हैं और रैशनल नंबर भी। उसके फर्स्ट क्वेश्चन, उसके फर्स्ट एग्जांपल का थर्ड पार्ट, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। अब रैशनल नंबर क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि p बाय q फॉर्म में हूं, और p और q क्या हैं, इंटीजर्स हों, लेकिन q नॉट इक्वल टू 0 हो, और सेम और HCF क्या होगा, एक ये बात भी होती है कि HCF p और q का होगा, पर इसका मतलब है कि p और q क्या होंगे, को प्राइम नंबर, ठीक है, होंगे को प्राइम नंबर। के को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं कि जहां दोनों का HCF 1, और इंटीजर्स क्या होंगे, इंटीजर्स क्या होंगे कि देखिए आप, इंटीजर्स क्या होंगे, सेम अभी आपको मैंने बताया कि 0, 1, 2, 3, 4 पॉजिटिव अप टू सो ऑन, और -1, -2, -3 अप टू 0, इन सब के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे, इंटीजर्स। लेकिन 3/2 हो, 5/3 हो, 3/5 हो, ये क्या है, रैशनल नंबर तो है लेकिन ये इंटीजर्स नहीं है, ये क्या है, फ्रैक्शन है, क्या है, फ्रैक्शन, तो ये भी क्या आएगा, फॉल्स। फॉल्स क्यों आएगा, क्योंकि इनमें से आप कोई एक नंबर या ऐसा कोई नंबर ले कि ये रैशनल नंबर तो है लेकिन इंटीजर्स नहीं है, ये है फ्रैक्शन। अब इसका सेकंड एग्जांपल, अब देखिए सेकंड एग्जांपल में आपसे कहा गया है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2, एंड वी कैन अप्रोच दिस प्रॉब्लम इन एटलीस्ट 2 वेज, यानी 1 और 2 के बीच में आपको कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, 5 रैशनल नंबर। अब देखिए इसके ना दो तरीके हैं, एक तरीका तो जो बुक में दिया हुआ है वही बताऊंगा मैं, और एक और आपको दूसरा तरीका। तो पहला मेथड देखिए, फर्स्ट मेथड,
आपको कितने रैशनल नंबर फाइंड करने, वी हैव टू फाइंड 5 रैशनल नंबर। ठीक है, तो जितने रैशनल नंबर आपको फाइंड करने ना, उसमें आप 1 ऐड कर दो, 5 इक्वल टू 1, 6। देखिए 1 और 2 के बीच में क्या है, आपको रैशनल नंबर फाइंड करने। ठीक है, तो 1 की मल्टीप्लाई आप 6 से करो और 6 से ही डिवाइड करो, और 2 की मल्टीप्लाई 6 से करो और 2 से ही डिवाइड करो, तो ये क्या आएगा 6 बाय 6 और ये आया 12 बाय 6। ठीक है, अब 6 में आपको 1 ऐड करना है, यानी 6 प्लस 1 बाय 6, यानी ऊपर वाले नंबर में। अब ये 7 आ गया, अब 7 प्लस 1 बाय 6, अब ये 8 आ गया, तो 8 प्लस 1 बाय 6, अभी 9 आ गया, तो 9 प्लस 1 बाय 6, अभी 10 आ गया, तो 10 प्लस 1 बाय 6, और 11 प्लस 1 बाय 6 क्या आएगा, 12 बाय 6। 6 बाय 6 यह आया 7 बाय 6, यह आया 8 बाय 6, यह आया 9 बाय 6, यह आया 10 बाय 6, यह आया 11 बाय 6 और ये 12 बाय 6। अब देखो 6 बाय 6 कट के क्या रह गया, 1, और 6 बाय 2 रह गया 2। अब आपको एक और ज्ञान की मैं चीज बताता हूं कि जैसे 6 बाय 3 है, ये क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, तो अगर हम इनको आपस में कट कर देंगे तो 2 बाय 1 इसकी क्या होगी, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सिंपलेस्ट फॉर्म रैशनल नंबर की क्या होती है कि उन दोनों नंबर को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, को प्राइम नंबर बना देना, उन दोनों का एससीएफ कितना आएगा, 1। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आंसर हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा। तो पहला आंसर आया 1, फिर नेक्स्ट 7 बाय 6, 8 बाय 6 कट जाएगा, 2 4 जा और 2 3 जा, कितना आया 4 बाय 3, और ये कट जाएगा 3 से, 3 3 जा, 3 2 जा, ये कट जाएंगे 2 से, 2 5 जा, 2 3 जा 6, 11 बाय 6 नहीं कटेगा, और 12 बाय 6 कितना आया 2। तो ये 5 रैशनल नंबर हैं जो 1 और 2 के बीच में आए। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके आंसर मैच करें, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे तरीके हैं इनको करने के, और दो नंबर के बीच में रैशनल नंबर कितने होते हैं, इनफाइनाइट। अब देखिए एक और सेकंड मेथड, अब सेकंड मेथड जो बुक में दिया हुआ है उससे ना करके मैं आपको एक और इजी मेथड बताता हूँ बिल्कुल, कि जैसे 1 और 2 के बीच में आपको रैशनल नंबर फाइंड करने है। ठीक है, तो 1 के बाद क्या आएगा, 1.1, 1.2, 1.3, फिर 1.4, 1.5, 5 ही करने ना आपको फाइंड, बस 2। अब 1 को तो 1 ही लिख दो, 1.1 क्या होगा, इसका डेसिमल हटाने के लिए हम 10 से डिवाइड करेंगे ना, क्योंकि पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद एक नंबर है, तो 11 बाय 10, 12 को करेंगे, 1.2 को करेंगे 12 बाय 10, ये हो गया 13 बाय 10, ये हो गया 14 बाय 10, ये हो गया 15 बाय 10 और ये हो गया 2। अब सिंपल ये 5 रैशनल नंबर आए ना, अब इनको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 तो 1 ही रहेगा पहला, तो 11 बाय 10 नहीं होगा कट, दोनों के बीच का कॉमन क्या है, सिर्फ 1 है, ये 2 6 जा, 2 5 जा, तो 6 बाय 5, 13 बाय 10 एज इट इज, 2 7 जा, 2 5 जा, तो ये क्या आया 7 बाय 5, और ये क्या है 5 3 जा, 5 2 जा, तो ये क्या आया 3। तो एक तो ये 5 रैशनल नंबर हैं जो आए हैं इनके बीच। अब बुक में जो मेथड दिया हुआ है वो आपने एट्थ क्लास में ऑलरेडी स्टडी करा होगा कि आर प्लस एच बाय टू, आर एच का मतलब है कि जैसे 1 और 2 के बीच में निकालना है ना, तो 1 प्लस 2 बाय 2 कितना आएगा, 3 बाय 2। फिर नेक्स्ट, अब यहाँ क्या है देखो, ये हो गया आर और ये है एस, सेम ऐसे ही सारे नंबर आ जाएंगे। एक और मेथड है कि 1 और 2 के बीच में निकालना है ना,
वन और टू के बीच में आपको निकालना है, तो आपको इसको 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड करो और फिर नेक्स्ट वन ऐड करते जाओ। तो बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन ये जो दो मेथड मैंने बताए हैं ना, ये बहुत ही सिंपल और इजी है। तो छोटी सी क्लास थी, इसमें क्या है, दो ही एग्जाम्पल थे, तो उम्मीद है कि ये क्लास आपके समझ में आई होगी। और अगर ये क्लास समझ में आई है तो आप इस क्लास को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, और इस क्लास को लाइक कर सकते हो, और ऐसी ही और क्लासेस के लिए आप हमारा चैनल देखते रहें। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कराऊंगा एक्सरसाइज 1.0। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।